तो भ्रष्टाचार के लिए मृत्युदंड, ये बात कह रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव। मगर सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा अमर सिंह जी का, जो सिंगापुर में लाइव है हमारे साथ। अमर सिंह जी, संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा, क्या उन राजनेताओं का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए जो भ्रष्टाचार में जिन पर आरोप सिद्ध हो जाएं? उसका एक ही उत्तर है कि पिछले दिनों एक बड़े विवाद में, गैस के विवाद में, देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर पर बड़ा हमला संसद में हुआ। अटॉर्नी जनरल भारत के सॉलिसिटर जनरल, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल और अब एनटीपीसी तक ने सुप्रीम कोर्ट में मंत्री जी को घेरे में डाला है। सामाजिक बहिष्कार की और तत्काल मृत्युदंड की आप बात कर रहे हैं, इन्हें प्रधानमंत्री राहुल जी और सोनिया जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या कैबिनेट प्रभार कर रहे हैं या महाराष्ट्र चुनाव का इंतजार है? इसी सवाल के अंदर आपके सवाल का जवाब। रामदेव जी, जी जी बताइए, क्या ऐसे राजनेताओं का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए? जरूर अभिसार जी, सामाजिक बहिष्कार ही नहीं, मैंने पहली बात पर फिर से अडिग हूं कि जिन लोगों ने देश के 84 करोड़ लोगों का हक छीना है, 16 करोड़ रुपए से ज्यादा देश का धन विदेशी बैंकों में जिन्होंने जमा किया है, उन लोगों को का सामाजिक बहिष्कार तो 100% होना ही चाहिए। भरे चौराहों पर उनका अपमान होना चाहिए और उनको जल्दी से जल्दी मृत्युदंड दिया जाए, ऐसा विधान होना चाहिए। और ये मैं तो एक बात और इसके साथ अभिसार जी जोड़ करके कि ये जो काला धन जिन चीजों से पैदा हो रहा है, वो बड़े नोटों की छपाई भी तुरंत बंद होनी चाहिए। अरविंद जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे जवाब आखिरी। देखिए, सामाजिक बहिष्कार से केवल काम नहीं चलने वाला है, और मेरा अपना ये मानना है कि प्रधानमंत्री को केवल बातें करने की बजाय ये केवल पीआर एक्सरसाइज नजर आती है, जब वो लाल किले पे खड़े होकर कहते हैं कि भ्रष्टाचार से सामना करने की जरूरत है। अगर जो कुछ करने की जरूरत है वो करके दिखाएं और भ्रष्टाचार को काबू करें। और मैं चीफ जस्टिस को भी ये कहना चाहूंगा कि संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है, अभी कानून है, अगर वो कमिटेड हैं तो वो इन कानूनों के तहत ही सजा दे सकते हैं उनको और भ्रष्टाचार पे काबू कर। यानी कि सबसे पहले जरूरत है कि आप नियत तो दिखाएं कि आप कुछ करना चाहते हैं, रोना रोने से कुछ नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी आपका, बाबा रामदेव आपका और अमर सिंह जी सिंगापुर से आपका, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने बात की भ्रष्टाचार की और जो बड़ी आवाज उभर कर आई है कि इसे देशद्रोह के साथ जोड़कर तो देखा जाना चाहिए, मगर सियासतदानों में इतने मतभेद हैं कि पिछले कई सालों से मानो ऐसा लग रहा है एक साजिश चली आ रही है इन मुद्दों को संबोधित न करने की।